अनुभव यहाँ का ना हमेशा एक्सट्रीम रहा है, मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। मुझे याद है मैं 2018 में यहाँ पर आया था, तो 2018 में भी मैंने किसी को कहीं बताया नहीं था कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ कहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते थे। और अभी तो मैंने मीटअप रखा तो मैंने वो एक झलक देखी है। मुझे यहाँ पर ना लोगों का नेचर काफ़ी अच्छा लगता है, नेचर तो काफ़ी अच्छा ही है यहाँ पर, है ना, तो नेचर काफ़ी बढ़िया है लोगों का यहाँ पर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जहाँ पर भी घूमने जाता हूँ ना, जगह चाहे कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, जब तक वहाँ के लोग ब्यूटीफुल ना हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस उस जगह को लेके वो अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर तो जगह भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो आप अभी असम की जो चाय, चाय को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सी, असम में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, जैसे यहाँ का मुगा सिल्क जो सिर्फ यहाँ पर ही है, यहाँ का जो असम में जो चाय फेमस है वो यहीं पर ही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं असम की, और ये तो मैंने आपको दो चीज़ बताई, ऐसे हमारे लिस्ट में और भी चीज़ें हैं जो हमने प्लान करके रखा है, जिसको हम वीडियो बनाएंगे, जिस पे व्लॉग बनाएंगे। तो बहुत ऐसी अनोखी चीज़ें हैं, तो हमने एक अपनी सीरीज़ चालू की है यूट्यूब पे अमार अखम करके, तो उसमें हम धीरे धीरे सारा चीज़ ऐड करते जाएंगे। तो मैं मतलब सारे जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स में कुछ ना कुछ खास बात है, और मतलब हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के सारे स्टेट्स, हमारे भारत के सारे वैसे हमने किताबों में पढ़ा है, बट क्या है कि एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर लोगों तक पहुँचाया जाए तो लोगों के ध्यान में रह जाता है। तो अब जैसे मुझे कमेंट आ रहे थे मुगा सिल्क वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, लोग ऐसे कह रहे थे कि हम असम के हैं लेकिन हमें भी नहीं पता था कि वो प्रोसेस क्या है। और जो लोग महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, जब मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था आपूस आम का, जो वहाँ का बहुत फेमस है, और आम मेरा फेवरेट फल भी है। तो यहाँ पर जब मैं मिला तो लोग ये कह रहे थे हमें नहीं पता था कि आपूस आम वहाँ के फेमस है। अब महाराष्ट्र के लोग देख के बोलेंगे अच्छा हमें नहीं पता था कि वहाँ पर चाय इतनी फेमस है। तो मैं हर स्टेट का एक एक यूनिक चीज़ और वो जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरह से मैं अपना ट्रैवल जर्नी कंप्लीट करूँगा। तो पहले ज़्यादातर मैं बाइक वाले कंटेंट बनाता था, घूमने फिरने वाले कंटेंट बनाता था, तब मैंने थोड़ा कंटेंट को चेंज किया, मैं सोचा हूँ कि इस तरह से कंटेंट बनाया जाए। बहुत सपोर्ट जो यहाँ हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो यहाँ पर हमारी टीम है, जैसे विकास दा है और मिंटू दा है और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मिल के हेल्प कर रहे हैं, तो ये मैं अकेले नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ जाना, वहाँ शूट करना और ये सब चीज़ें इन लोगों के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कॉरपोरेशन कोऑपरेशन यहाँ के लोगों से बहुत मिल रहा है और सपोर्ट भी बहुत है। मतलब जो भी इंसान, मुझे लगता है कि एक बार आएगा ना असम, वो दोबारा आना चाहेगा। जॉय आया खॉम। सोनापुर महाविद्यालय घटिब महामिलन, প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীর মহামিলনেরে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হব মহাবিদ্যালয় চৌহদ। কেবল অপেক্ষা করক 12 জুনলৈ। আপনার জানালে মানে সুখী হয়েছ যে 2022 চনের অহা 12 জুন তারিখে দেওবারে সোনাপুর মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণত সোনাপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সকলের এখনই সম্মিলনী আয়োজন করা হয়েছে। এই তৃতীয় সংখ্যক যে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সম্মিলনী, এই সম্মিলন তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব, আর তারপরে আমি তেখেতসকলক অন্তরে পুনর্বার আদরণি জানাইছো, আশা রাখিছো আপনাদের উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করাত আমাক সহায় করিব। ধন্যবাদ। পোনপ্রথমে মই সমূহ প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীলৈ মোৰ আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেছো। অহা 12 জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীর সমারোহত সকলোরে উপস্থিতি মই আন্তরিকতার কামনা করি।